कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 का फाइनल मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने सुपर फोर में टीम इंडिया को मात दी थी। खराब फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई T20 और वनडे कप्तान एरन फिंच ने बड़ा ऐलान किया। एरन फिंच ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। फिंच न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेलेंगे, हालांकि T20 की कप्तानी वो करते रहेंगे। लंबे समय के बाद विराट कोहली ने अपना 71वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया। इस पर पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत के स्टार बल्लेबाज और उनकी पत्नी की जमकर प्रशंसा की। शोएब ने कोहली को मैन ऑफ द स्टील और उनकी पत्नी अनुष्का को आयरन लेडी बताया। पूर्व चयनकर्ता सबा करीम ने राहुल द्रविड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। सबा करीम ने कहा कि अब राहुल द्रविड़ का हनीमून पीरियड खत्म हो गया है, अब कोच राहुल द्रविड़ को परफेक्ट टीम बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले एशिया कप 2022 फाइनल से पहले एक गुड न्यूज मिली है। टीम के तेज गेंदबाज शहनवाज दहानी चोट से पूरी तरह से उबर गए हैं और अब वो फाइनल मुकाबला खेलने के लिए उपलब्ध हैं। श्रीलंका के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज सनत जयसूर्या ने विराट कोहली और बाबर आजम को लेकर बड़ा बयान दिया। जयसूर्या ने इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर कहा कि मुझे विराट कोहली अच्छे लगते हैं, वो मेरे और मेरे बेटे के पसंदीदा खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त राजीव राम और जोएस सेलिसबरी की जोड़ी ने लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही ये जोड़ी ऐसी दूसरी जोड़ी बन गई जो पुरुष युगल का अपना खिताब बचाने में सफल रही है। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन के फाइनल में जगह बना ली। अल्कारेज ने सेमीफाइनल में अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हरा कर बाहर कर दिया। 19 साल के अल्कारेज पहली बार यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं। फाइनल में उनका सामना कैस्पर रूड के साथ होगा। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। ब्यूटीफुली प्ले।